जय हिंद फ्रेंड। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी मेडिसिन के बारे में जिसका यूज़ ट्रैवलिंग के दौरान जो वोमिटिंग होती है उसको अवॉइड करने के लिए इसका यूज़ किया जा सकता है और बहुत हेल्पफुल होती है ये टैबलेट। तो स्वागत है आपका अपने चैनल मेडकाइंड पर। तो आज हम बात करेंगे एवोमाइन टैबलेट के बारे में, इसके कंपोजिशन के बारे में, कौन इसको मैन्युफैक्चर करता है, क्या इसके यूजेस होते हैं, क्या क्या साइड इफेक्ट्स हमें देखने को मिल सकते हैं, और इस टैबलेट को कैसे यूज़ करना है, कितना टैबलेट लेना है, और कौन कौन से प्रिकॉशन हमें लेने चाहिए। आई मीन कि जब आप ट्रैवलिंग पे जाते हैं तो बहुत सी चीज़ें मतलब हम कंज्यूम करते हैं तो उनके साथ लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, और फाइनली इसके प्राइस के बारे में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करें प्रोमेथाजिन इसके कंपोजिशन की, बात एबोमाइन का कंपोजिशन की, तो आप देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ है ईच अनकोटेड टैबलेट कंटेन प्रोमेथाजिन 25 mg। इसमें प्रोमेथाजिन होती है जो कि बेसिकली एक एंटी हिस्टामिनिक ड्रग है जो कि हिस्टामिन के लेवल को कम करती है। दूसरा बात करें कि कौन इसको मैन्युफैक्चर करता है, तो इसको मैन्युफैक्चर करता है वेरी रिनाउंड कंपनी एबॉट फार्मास्यूटिकल लिमिटेड। एबॉट जो कि बहुत अच्छी कंपनी है और इसके बहुत प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल हैं। अब बात करें इसके यूजेस की, तो इसका मेन यूज़ किया जाता है वोमिटिंग को रोकने के लिए। वोमिटिंग एक जो सर्जरी से पहले या सर्जरी के बाद, सर्जरी के टाइम पे जो होती है उस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए, और दूसरा इसका यूज़ किया जाता है मोशन सिकनेस में। मोशन सिकनेस का मतलब जो ट्रैवलिंग के दौरान वोमिटिंग होती है उस कंडीशन को ठीक करने के लिए, जो ट्रैवलिंग के दौरान वोमिटिंग होती है उसको कम करने के लिए, उसको मतलब जिससे कि वोमिटिंग ना हो तो उस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। और इसका यूज़ किया जाता है जो एलर्जी कंडीशन होती है जैसे कि रेडनेस हो जाना, खुजली होना और रनी नोज की कंडीशन को ठीक करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। अब बात करते हैं कि कितना टैबलेट हमें लेना चाहिए, तो ये डॉक्टर कंसल्ट के बाद ही इसको लेना चाहिए, अपने सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना चाहिए। बाकी यदि जैसे आप ट्रैवलिंग के दौरान हैं, यदि आपको ट्रैवलिंग के दौरान लेना है तो एक टैबलेट आपको आधे घंटा पहले, ट्रैवलिंग करने से पहले इसको कंज्यूम करना चाहिए, खाना खाने के साथ, और खाना खाने के बाद भी इसको ले सकते हैं, ऐसा कोई डिफरेंस नहीं आएगा इसके इफेक्ट में यदि आप इसको खाने के साथ भी लें और खाने के बाद लें तो। इसमें अब बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स की, तो क्या क्या कौन कौन से साइड इफ़ेक्ट्स हमें देखने को मिल सकते हैं। तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स वैसे तो नहीं होते हैं, बट कॉमनली ऐसे ही हेडेक टाइप का या ड्राउजीनेस टाइप का हमें देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं कि कौन कौन से मेडिसिन के साथ ये अनसेफ होती है, या कौन कौन से जो प्रोडक्ट होते हैं जैसे कि कौन कौन से एल्कोहल के साथ सेफ होती है कि नहीं होती है, तो इन सब की हम बात कर लेते हैं। तो बात करें एल्कोहल की, तो ये एल्कोहल के साथ नहीं कंज्यूम करना चाहिए क्योंकि ये जो ड्राउजीनेस होती है, ड्राउजीनेस मतलब जो नींद सी आती है उसको और बढ़ा देगा उसकी इंटेंसिटी को। और प्रेगनेंसी के केस में बात करें तो प्रेगनेंसी में अनसेफ होती है, इसको बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना चाहिए। प्रेगनेंट लेडी जो होती हैं यदि वो ट्रैवलिंग कर रही हैं और ये मेडिसिन को ले रही हैं तो इसको अवॉइड करना चाहिए, टैबलेट के कारण आपके जो बेबी को हार्मफुल इफेक्ट हो सकता है। ब्रेस्ट फीडिंग में सेफ होती है बट यदि डॉक्टर्स के कंसल्ट से ही इसको लेना चाहिए। ड्राइविंग के केस में इसको नहीं यूज़ करना चाहिए क्योंकि इससे अलर्टनेस कम होती है, मतलब जैसे आप इसको खाएंगे तो इसको आप खाने के बाद नींद सी आएगी, तो यदि हम ड्राइव करेंगे तो वो थोड़ा सा अनसेफ हो सकता है आपके लिए। किडनी पेशेंट के लिए थोड़ा सा सेफ होता है बट डॉक्टर की कंसल्टेंसी से ही इसको यूज़ करें। लीवर के केस में ये यूज़ नहीं करना चाहिए क्योंकि लीवर के यदि आपको लीवर फेलियर या लीवर की थोड़ी सी प्रॉब्लम है यदि आप उसके साथ लेंगे तो आपको साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं। फाइनली बात करें इसके प्राइस की, तो आप देख सकते हैं इसका प्राइस इसमें मेंशन है 55 रुपये, लगभग 56 रुपये की ये 10 टैबलेट्स हैं और ये मार्केट में किसी भी मेडिकल स्टोर पर इजीली अवेलेबल होती है। अब बात करते हैं कि और कौन कौन से ब्रांड इसमें मार्केट में अवेलेबल हैं, तो आप देख सकते हैं कि बहुत सारे ब्रांड, बहुत सारी कंपनियां इसको बनाती हैं। इसमें एबॉट ही इसको बनाती है, फेनेरगन करके 25 mg, इमिन 25 करके सिप्ला बनाती है, और बहुत सारी कंपनियां बनाती हैं, तो जो आपको सस्ता मिले उसके, और जो आपकी अवेलेबिलिटी हो आपके मेडिकल स्टोर पर, आपके अपने नज़दीकी मेडिकल स्टोर पर, तो आप इसको वहां से परचेस कर सकते हैं। ऐसे मार्केट में बहुत सारे ब्रांड अवेलेबल हैं और ये बहुत चीप होती है, ऐसी ऐसा इतनी महंगी भी नहीं होती है। आई होप गाइस ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। थैंक यू।